और ये हमारा लेक्चर नंबर सेवेंटीन है हम यूनिट नंबर थ्री पर डिस्कशन कर रहे थे जिसका नेम लॉगरिथम्स है आज हमने वर्किंग करनी है थ्री पॉइंट टू पर और बहुत टेक्निकल वर्किंग है कम लोगों को जल्दी समझ आती है तो आपने इसको ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन क्या हैं है। बहुत सिंपल लॉग आपने निकालने हैं लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन की तरफ मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट्स से आप लोग अवेयर रहें और थम्स अप का बटन भी प्रेस करें ताकि इस टीम के मेम्बर्स की हौसला अफजाई होती रहे तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट नंबर वन की तरफ थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन इतना टफ नहीं है तो आप लोगों ने टर्म्स को सीखना है कि बेसिकली टर्म्स हैं क्या अक्सर लोग इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं लेकिन ये इतना टफ नहीं है इसको सीखा जा सकता है कहता है कि आपने क्या पता करना है कॉमन लॉगरिदम फाइंड आउट करना है इस नंबर का तो लॉगरिदम को आपने दो पार्ट्स इसके फाइंड आउट करने होते हैं पहला पार्ट होता है करेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट होता है मैंटीसा ठीक है तो करेक्टरिस्टिक पहले देख लें कि वो क्या है आपके पास करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं ठीक है एक कॉमन लॉग्रिदम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक क्या होता है करेक्टरिस्टिक बेसिकली आपने पॉइंट को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना होता है जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लें क्योंकि उसमें सारी डिटेल हमने बताई है कि आप पॉइंट को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं तो पहला नॉन जीरो नंबर यहाँ पर टू है गोया इस पॉइंट ने यहाँ से उठ के कहाँ आना है यहां पर आना है और पॉइंट कौन से साइड से उठ रहा है सीधे हाथ से मतलब राइट right साइड से लेफ्ट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब देखें ये रेड डॉट में और ये रेड ब्लैक डॉट में और रेड डॉट के दरम्यान में कितने नंबर आए हैं वन और टू तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब मेन्टीसा में निकालना है मेन्टीसा आप लॉगरिदम बुक से निकालेंगे या लॉग टेबल ने, मिलता है आप उससे निकाल लेंगे या आपकी बुक के लास्ट में भी होता है तो हमारे पास जो अभी अवेलेबल है या जिनकी जिजर से आपको इजीली समझ आ जाएगा वो देखते हैं किस तरीके से कि मैं टीसा निकालने के लिए जो पहली बात आपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर फोर नंबर्स होने चाहिए क्या होने चाहिए फोर नंबर्स होने चाहिए या यह आप यहाँ रफ वर्क में देख लें ठीक है ये रफ वर्क है आपके पास चार नंबर होने चाहिए चार से ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए अगर चार से ज्यादा नंबर है तो आप उसको राउंड ऑफ करें फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के लिए आपके पास नंबर बनते हैं टू थ्री टू नाइन टू ये तो आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो ये फिफ्थ वाला जो नंबर है ये देखना है ये पांच या पांच से अगर हुआ बड़ा तो प्रीवियस नंबर में एक ऐड हो जाएगा और अगर ये पांच से छोटा हुआ तो फिर ये एज इट इज़ रहेगा ये पीछे अपने ए पिछले वाले डिजिट में नंबर ऐड नहीं करेगा अब ये देखें फिफ्थ नंबर पर जो नंबर है वो टू है वो पाँच से छोटा है लिहाजा ये राउंड ऑफ में हेल्प नहीं करेगा तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं कि इसके टू थर्टी टू थ्री टू नाइन अब हमने क्या करना है ये जो रफ़ वर्क में टू थ्री टू नाइन मैंने लिखा है ये बेसिकली मैं इस्तेमाल करना चाह रही हूँ मेन्टीसा फ़ाइंड आउट करने के लिए और मेन्टीसा आप हमेशा लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए फ़ाइंड आउट करते हैं अच्छा फ़ाइंड आउट कैसे करेंगे आप अगर लॉग टेबल में आपको दिखा दूँ चलें ये लॉग बुक या लॉग टेबल आप समझे हमारे पास एक पेज है इस तरीके से बुक होगी वो बुक क्योंकि बहुत छोटी होगी तो वो आपको नजर नहीं आएगी इसलिए आपके लिए ये पेज जो है वो आ, 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 अरेंज किया है गतल, टेबल ऑफ लॉगरिथम लिखा होगा और मेन डिफरेंसेस लिखे होंगे तो आपने क्या करना है आपके पास क्वेश्चन है टू थ्री टू नाइन इसका मतलब है आप ट्वेंटी थ्री को पहले देखेंगे किस में टू में जरा यहाँ पर गौर करिएगा ये आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं ठीक है इसको आपने जाके रोकना कहाँ है ट्वेंटी थ्री पर ट्वेंटी थ्री को आपने टू में देखना है ऊपर से देखें ऊपर से ये कॉलम आ रहा है ये जाके रुकेगा कहाँ पर थर्टी सिक्स फिफ्टी फाइव मतलब वो आपने यहाँ रफ वर्क में लिख लिया थर्टी सिक्स फिफ्टी फाइव अब तीन नंबर आप डिस्कस कर चुके हैं ट्वेंटी थ्री को टू में देख चुके हैं अब नाइन को आपने देखना है आपने क्या करना है इसी लॉग बुक में आपके पास ये ट्वेंटी थ्री था आप इसको आगे लेके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएँ और कॉमन डिफरेंस वाला जो साइड होगी उसको नाइन में चेक करें वो आपके पास बनेगा सेवनटीन क्या बन रहा है जरा यहाँ अगर आप इसको गौर करें तो मैं तो बॉल पॉइंट रख दूँ पेन तो ये यह यहाँ देखें ये यह सेवनटीन बना इस सेवेंटीन को उठा के आपने इसमें ऐड कर देना है क्या करना है इसमें ऐड करना है आप ऐड करने के बाद ये ट्वेल्व बन गया ये आपके पास बन गया सेवन ये नंबर बन गया इस नंबर को आपने यहाँ लिखना है मेंटीसा की जगह लेकिन पॉइंट लगा देना है क्या लगा देना है पॉइंट लगा लेना पहले थ्री सिक्स सेवन टू सोफ so और मैंने अभी तक आपको दो स्टेप्स जो हैं वो सिखाए हैं वो कौन से सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन के अंदर से ही निकलता है उसके बाद मेंटीसा आप किस तरीके से निकालते हैं आप उस फिगर को राउंड ऑफ करते हैं फोर प्लेसेस तक फोर प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के बाद पहले दो नंबर्स को पेयर आप करके पहले वाले कॉलम में देखते हैं और फिर जो लास्ट वाला नंबर होता है ये डिफरेंस वाले कॉलम में देखा जाता है जो आंसर आता है आपको थर्टी सिक्स सेवेंटी टू वो पॉइंट के साथ आपने यहाँ पर लिख लिया अब इस क्वेश्चन का लॉग क्या आएगा वो बेसिकली इन दोनों को मिला के आएगा वो क्या बनेगा टू पॉइंट थ्री सिक्स सेवन टू ये बेसिकली एक नंबर्स की गेम है और कुछ भी नहीं है इसको अगर आप एक दो दफा ध्यान से इस वीडियो को रिवाइंड करके सुन लें तो उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा मूव करते हैं पार्ट नंबर टू की तरफ पार्ट नंबर टू आपके सामने करने लगी हूँ मैंक्टरिस्टिक और लॉक ट्वेंटी नाइन पॉइंट थी थ्री टू सिक्स सबसे पहले करेक्टरिस्टिक आपको बताया कि क्वेश्चन के अंदर से ही आप निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं क्या आप इस पॉइंट को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो मतलब पहले पॉइंट यहाँ पर है अगर ये स्किप आउट होगा तो यहाँ पर आएगा तो पहले पॉइंट और नए वाले पॉइंट के दरम्यान में कितने नंबर है वन क्योंकि आपने राइट right साइड से स्किप किया था तो आपके पास पॉजिटिव वन आएगा कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आएंगे जिसमें नेगेटिव वन भी आएगा वो मैं आगे चल के बताती हूँ ये क्योंकि राइट साइड से पॉइंट शिफ्ट होगा लिहाजा ये वन आ गया ठीक है अब मेनटीसा के लिए आपने उसी तरीके से रफ वर्क में क्या करना है पहले तो आप क्या कर लें आप ये नंबर लिख लें टू नाइन थ्री टू सिक्स क्योंकि ये पांच नंबर है तो इसको राउंड ऑफ करे राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे फिफ्थ फिफ्थ नंबर ये नंबर जो है वो बेसिकली फाइव से बड़ा है ये राउंड ऑफ करते हुए अपने पिछले डिजिट में एक नंबर ऐड करवा देगा लिहाजा वो बन जाएगा टू नाइन थ्री थ्री अब आपका टारगेट है कि आपने ट्वेंटी नाइन को देखना है थ्री में मैं आपके सामने यहाँ पर दोबारा लॉग बुक को इस्तेमाल करते हुए ट्वेंटी नाइन को थ्री में देखने लगी हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अगर आप इसको मूव करें तो आपके पास ये यह यहाँ पर ट्वेंटी नाइन है दिस इज ट्वेंटी नाइन ठीक है ट्वेंटी नाइन है ट्वेंटी नाइन को आप किस में देखें आपने थ्री में देखना है तो वो आपके पास आ जाएगा फोर सिक्स सिक्स नाइन उसको आपने यहाँ पर लिख लिया फोर सिक्स सिक्स नाइन फर्दर मोर आपने आपको किस में देखना है इसी चीज़ को आगे बढ़ा के डिफरेंस वाले कॉलम में थ्री में देखना है डिफ डिफरेंस वाले कॉलम में अगर आप इसको आगे बढ़ाते जाएं ट्वेंटी नाइन को तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फोर नज़र आ रहा है ज़रा गौर करें यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है फोर नज़र आ रहा है लिहाजा आपने इसमें फोर ऐड कर देना है फोर ऐड करने से क्या होगा थर्टीन बन गया यहाँ पर यह सेवन बन गया सिक्स फोर तो आपको मैंने बताया कि जो भी आंसर आएगा उससे पहले आपने पॉइंट लगा लेना है फोर सिक्स सेवन थ्री तो इसका आंसर जो आपके पास बनेगा वो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को मिलाने के बाद लिखा जाएगा तो वो आपके पास लिखा जाएगा वन पॉइंट फोर सिक्स सेवन थ्री जो कि कॉमन लॉगरिथम था ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री टू सिक्स का पार्ट नंबर छी की तरफ मूव करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेगेटिव करैक्टरिस्टिक आएगा सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें करैक्टरिस्टिक आपने जब कभी भी निकालना है कॉमन लॉग रिदम तो आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे और मैंटिसा लिखेंगे मैंने इसका शॉर्ट लिख लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कम्प्लीट स्पेलिंग लिखे हैं वो देख लेने आपने उसके बाद आपने क्या करना है फुल नंबर लिखना है जिसका ये लॉग रिदम लेने लगे हैं आप लॉग जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री टू इसका लॉग्रिदम आपने निकालना है तो वही काम आप पहले करेंगे जरा इसको गौर कर लें अब की बार आपने क्या करना है पॉइंट यहाँ से स्किप करना है क्योंकि ये जीरो है मैंने कहा है पॉइंट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ पर आना चाहिए इस थ्री के बाद आना चाहिए पॉइंट कौन से हाथ से उठ रहा है लेफ्ट साइड से उठ रहा है और राइट साइड पर आ रहा है लेफ्ट साइड से जब कभी भी पॉइंट उठेगा तो नेगेटिव आता है जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया वो गो थ्रू कर लें क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो नए पॉइंट और पुराने पॉइंट के दरम्यान में नंबर कितने हैं एक दो तीन चार क्योंकि ये लेफ्ट साइड से पॉइंट उठा है तो उसको नेगेटिव शो करने के लिए आपने यहां नेगेटिव नहीं लगाना लॉग का स्टाइल है कि आप इसके ऊपर बार लगाते हो उसका मतलब होता है फोर नेगेटिव इसी तरीके से आप मेन्टीसा तलाश करेंगे मेन्टीसा तलाश करने के लिए आप यहाँ पर रफ वर्क में लिख लें थर्टी टू ये पहले से ही है थर्टी टू क्या आगे आप क्या लगा लें जीरो मतलब थर्टी टू को आपने किस में देखना है जीरो में देखना है ये आपके पास थर्टी टू है इसको आप किस में देखें जीरो में देखें तो फाइव जीरो फाइव वन आपके पास आ चुका है इस तरफ तो आपका यहाँ पर इसका आंसर आ गया फाइव जीरो फाइव वन तो मेनटीसा के लिए आप यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं फाइव जीरो फाइव वन मैंशन करते हैं और जब आप इसका लॉग लिखेंगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा फोर नेगेटिव पॉइंट फाइव जीरो स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट नंबर फोर की तरफ तो आपको कहता है कि इसका आपने लॉग निकालना है सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक निकालना है तो आपने पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है यहां से पॉइंट उठ के यहां आना चाहिए मतलब ये नंबर बनना चाहिए थ्री पॉइंट टू जीरो सिक्स तो अब पॉइंट पहले यहां पर था आ अब पर गया है। कितने नंबर आए दरमियान में नए पॉइंट और पुराने पॉइंट के दरमियान में नंबर आए वन लेकिन पॉइंट कहाँ से उठा था उल्टे हाथ से उठा था और सीधे हाथ की तरफ आया है लिहाजा इसके ऊपर आप यहाँ पर नेगेटिव मेंशन करेंगे अब आप क्या करेंगे आप थर्टी टू को देखेंगे जीरो में थर्टी टू को हमने देखा जीरो में तो वह आपके पास आ गया ये रफ वर्क कर रही हूं यहाँ पर ठीक है वो आपके पास आ गया फाइव जीरो फाइव वन फर्दर मोर आपने इसको किस में देखना है सिक्स में देखना है तो इसी चीज को अगर आप आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस वाले टेबल में यहाँ पर आपके पास क्या आया है एट आया है तो आप इसमें एट को ऐड कर दें एट को ऐड करने से आपके पास फाइव जीरो नाइन बन जाएगा मीन मिसा इसका फाइव जीरो नाइन आ चुका है तो जब आप इसका क्या करेंगे लॉग लेंगे तो लॉगरिदम बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा दैट विल बी बीवल्स टू One negative point five zero five nine. ये आपने common logarithms लेने सीख हैं की तरफ तो पर वो आपको एक ट्रिक सिखाना चाह रहा है वो देखते हैं इफ लॉग थर्टी वन पॉइंट जीरो विदाउट यूजिंग टेबल अब आपने टेबल को यूज नहीं करना उसने आपको लॉग थर्टी वन पॉइंट जीरो नाइन दे दिया है अब वो क्या कर रहा है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पॉइंट की जगह को चेंज कर रहा है तो आपको क्लियर कट ये बात पहले बताई हुई है मैंने क्या कि पॉइंट की जगह चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होता है मेनटीसा वही रहता है मतलब थर्टी वन को आप जीरो में देखेंगे और नाइन में इस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास बनेगा पॉइंट फोर नाइन टू सिक्स सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए इस पार्ट के लिए भी थर्टी वन को पहले जीरो में देखेंगे और फिर डिफरेंस टेबल में नाइन में इसका मतलब है पॉइंट के बाद तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक पहले निकालें वो क्या आएगा करेक्टरिस्टिक दैट इज इक्वल टू वो देख लेते हैं अभी उसके बाद मेंटीसा मैंटीसा मैंने आपको बताया है कि सारों का सेम आएगा उसके बाद लॉग थ्री पॉइंट वन जीरो नाइन पॉइंट के शिफ्ट होने से मैंटीसा पर फर्क नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है करेक्टरिस्टिक चेंज होता है अब जरा देखें पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए तो वो पहले से ही सही पोजीशन में है मतलब पहला पॉइंट जो है ये शिफ्ट करने के बाद जो पॉइंट बनेगा वो यही यही जगह बनेगी तो इसका मतलब है इसकी एक तो करेक्टरिस्टिक कोई है ही नहीं ये तो सही जगह पर है तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया जीरो और मैंटीसा इस क्वेश्चन का थर्टी वन जीरो नाइन उसने ऑलरेडी यहाँ निकाल के आपको दे रखा है वो क्या है फोर नाइन टू सिक्स तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जीरो पॉइंट फोर नाइन टू सिक्स अभी हम इसको रेज नहीं कर रहे हम इसका पार्ट नंबर टू करने लगे ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में वो आपको कहता है कि आपने लॉग पता करना है किसका थ्री टेन पॉइंट नाइन का आप देखिए सिर्फ सिर्फ पॉइंट की पोजीशन को वेरिएट कर रहा है सबसे पहले करेक्टर निकालें फिर उसके बाद में टीसा मैंने आपको बता दिया है कि वो सेम रहेगा उसके बाद आपने निकालना है लॉग थ्री टेन करेक्टिक्स देखें इस पॉइंट में शिफ्ट होना है यहां पर ठीक है इस क्वेश्चन में तो पहले थ्री के बाद था तो सही पोजीशन थी यहां पर तो सही पोजीशन नहीं है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए पॉइंट को तो कितने नंबर शिफ्ट हुए दो नंबर शिफ्ट हुए दरम्यान में दो नंबर आए राइट साइड से पॉइंट शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव ही रहेगा और मैं डीसा मैंने आपको बताया है कि पूरे क्वेश्चन का थर्टी वन जीरो जीरो में देखना और फिर नाइन में तो वो वही बनेगा फोर्टी नाइन टू सिक्स तो एज अ होल आपके पास लॉगम जो इसका बना वो बना टू पॉइंट फोर नाइन टू सिक्स देखिए पॉइंट के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा क्वेश्चन में भी वही है इधर आंसर्स में भी वही है सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है अगर हम पार्ट नंबर थ्री भी आपके लिए डिस्कस कर दें तो मजीद आसानी हो जाएगी पार्ट नंबर थ्री आपके पास क्या है बेसिकली और पार्ट नंबर फोर जो है इसका आप खुद ट्राई करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आएंगे और हमें बताएंगे कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया हम उस पर स्पेशल वीडियो की प्ले में स्पेशल वीडियो जनरेट करके दे देंगे आपको सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक निकालना है करेक्टरिस्टिक मेन्डिसा में आपको दस बता चुकी हूँ मेन्डिसा इसका यही रहेगा जीरो और सॉरी पॉइंट फोर नाइन टू सिक्स उसके बाद आपने निकालना है लॉग लॉग आपने निकालना है किसका आपकी बार जीरो पॉइंट थ्री वन जीरो नाइन का देखिएगा करेक्टरिस्टिक पर क्या फर्क पड़ रहा है करेक्टरिस्टिक के हवाले से इस पॉइंट को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट होना चाहिए मतलब इस थ्री के बाद आना चाहिए पहले पॉइंट और दूसरे नए वाले पॉइंट के दरमियान में नंबर आए वन लेकिन पॉइंट शिफ्टिंग हुई कहां से उठा था उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ गया था उल्टे हाथ से जब कभी भी सीधे हाथ की तरफ जाता है तो आप ऊपर नेगेटिव मेंशन करते हैं तो ये आपका जो लॉग जीरो नाइन बनेगा पार्ट नंबर सिक्स जो है सॉरी पार्ट नंबर फोर जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है अगर समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं उसको बेहतर तरीके से हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे लेकिन उम्मीद है इतने क्वेश्चंस कराने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी डियर ऑडियंस तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू जिसमें हमने आपको कॉमन लॉक रिदम लेना सिखाया है उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप लोग को अवेयर रहें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें हमें दो में याद रखें अल्लाह अल्लाफिर